हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने MIUI 12 को और भी ज़्यादा स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिन्हें आप अपने फ़ोन में नॉर्मली सेट कर सकते हैं, एंड उस ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन में जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उसको देखकर आप कहोगे यार मज़ा ही आ गया इन ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद। तो गाइस, मेरे फ़ोन में अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन में आपको MIUI 12.0.3 ये वर्ज़न है MIUI का, तो मैं इसी में आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स करके दिखाऊंगा जैसे कि ये जो MIUI 12 है ये थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी, थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को बने किस तरीके स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारी सबसे पहली सेटिंग है MIUI 12 को स्पीड अप करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एंड इसको आप केवल MIUI 12 में नहीं, आप इसको MIUI 10, 9, 8, 7 जितने ही वर्जन है ना सभी फ़ोनों में ट्राई कर सकते हैं, एंड इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने वाला है। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको अपने अबाउट फ़ोन में चले जाना है। अबाउट फ़ोन में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे MIUI वर्जन पर 3 से 4 बार टैप करना है। 3 से 4 बार टैप करने के बाद आपके फ़ोन में डेवलपर सेटिंग इनेबल हो जाएगी। तो जैसे मेरे यहाँ पे लिखा रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, तो मैं पहले से एक डेवलपर हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि पहले डिसेबल होता है, अभी इनेबल हो चुका है। आप यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, पहले यहाँ बंद होता है, यहाँ पे इनेबल कर रखा है मैंने ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ ढूंढना है, विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन एंड एनिमेटर ड्यूरेशन। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, एंड आपको यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं ये 1x की स्पीड पे सेट होते हैं, आपको यहाँ पे इन सबको 0.5x पे सेलेक्ट कर देना है। गाइज, अगर आप और भी ज़्यादा स्पीड चाहते हो तो आप इस एनिमेशन को बंद भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन ऑफ का। तो गाइज, इस सेटिंग को अप्लाई करने के इंस्टेंटली आपको इसका रिजल्ट देखने मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन देख सकते हैं आप कितना स्पीड हो चुकी है इसके अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप है। जैसे यहाँ पे मैसेज वगैरह खोल रहा हूँ या कॉल वगैरह भी खोल रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप है मेरा फ़ोन। तो हमारी ये वाली पहली सेटिंग ख़त्म हो चुकी है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो गाइज, अब इसके बाद हमारी अब हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। उस सेटिंग को आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको बताता हूँ उस सेटिंग को कैसे परफॉर्म करना है। इसमें क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप्स, आपको यहाँ पे ऐप्स के सेक्शन में चले जाना है। ऐप्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज ऐप्स पे। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे गाइज मेरा जो फ़ोन है वो पोको का है, मेरा फ़ोन पोको का F1 है, तो मेरे में पोको का लॉन्चर चलता है तो मैं पोको लॉन्चर सर्च करूँगा। एंड गाइज, अगर आपका कोई भी और अदर Xiaomi डिवाइस है या MI का डिवाइस है या पोको है तो मेरी तरह करना, और अगर या फिर MI का है तो यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पोको लॉन्चर टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में पोको लॉन्चर पे वर्क करता है मेरा फ़ोन। गाइज, आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर को ओपन कर लेना है, एंड आपको क्या करना है, इसके किसी भी ऑप्शन को छेड़ना मत क्योंकि भाई ये आपका फ़ोन पूरा मैनेज कर रहा है, तो इसके और किसी ऑप्शन को टच भी मत करना। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे क्लियर डाटा दिख रहा है ना, क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका क्लियर सेशन कर देना है। गाइज, जैसे आप यहाँ पे क्लियर सेशन करोगे तो ये आपके फ़ोन की सेटिंग को ना थोड़ा मतलब थोड़ी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि गाइज ये जो होता है ना ये आपकी एक तरीके की विंडो है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपका फ़ोन कंप्यूटर है एंड ये उसमें एक विंडो है, अब विंडो की जो अननेसेसरी फाइल्स होती है ना वो यहाँ से डिलीट हो जाती हैं क्लियर सेशन करने के बाद। तो ऐसे ही फ़ोन में जब हम चलाते तो फ़ोन में OS वर्क करता है, तो OS में जब हम सेशन रिमूव कर देता तो अननेसेसरी फाइल उसमें हट जाती है, तो थोड़ा फ्री हो जाता है वर्क करने के लिए, एंड इससे ही आपकी फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो गाइज, ये थी हमारी सेकंड सेटिंग, अब आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी और लास्ट सेटिंग की तरफ। मतलब ये भाई बेसिक सेटिंग है, इसका मतलब ये मैं समझना कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इन सारी सेटिंग्स करने के बाद। हाँ, जो पहली वाली सेटिंग है उससे फ़र्क पड़ेगा, दूसरी वाली सेटिंग से ही फ़र्क पड़ेगा, एंड जो तीसरी अब बताने वाला हूँ उससे ही फ़र्क पड़ेगा। बट ये मैं सोचना भाई, तुम यूज़ कर रहे हो कोई 2GB रैम वाला फ़ोन एंड तुम्हारा फ़ोन वर्क करने लगेगा एज अ 6GB रैम या फिर 8GB रैम की तरह, तो ये मैं सोचना भाई, हार्डवेयर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर को हम ऑप्टिमाइज़ कर ले कितना भी, बट वो इतना नहीं होगा
क्या बोलते हैं उसे, इफेक्टेबल, इतना इफेक्टेबल नहीं होगा जितना आपके हार्डवेयर में होता है चेंजेस करने से। तो भाई इतना मत सोचना कि आपको 2GB RAM 8GB RAM की तरह वर्क करना शुरू कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपकी स्पीड में, मैं आपको क्लियर बता दूं, तो बस इतना ही थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ये नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमारी जो थर्ड सेटिंग है वो आपकी, फिर आपको सिक्योरिटी सर्च करना है या फिर सेटिंग में चले जाओ, मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने ऐप्स के अंदर सिक्योरिटी सर्च कर लेता हूँ। सिक्योरिटी सर्च करने के बाद पहले तो हमने अपने लॉन्चर के शैशे को रिमूव किया था, अब हम अपने फ़ोन के शैशे को रिमूव करेंगे। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के जो सेकंड ऑप्शन है क्लियर शैशे एंड डिवाइसेस ब्लॉक, मतलब आप यार बार बार करोगे थक जाओगे एंड ये जो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। तो गाइस पहले ये ना नेवर पे सेलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड मैंने इसको अपने फ़ोन में 10 मिनट्स पे सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहें तो इसको 1 मिनट पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट पे क्या होगा ना, मतलब सही वर्क करता रहेगा। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा आप इसको पर 10 मिनट पे सेट करें, कि हर 10 मिनट होने के बाद आपका जो डिवाइस होगा ना वो अपने आप ही शैशे को रिमूव कर देगा, तो इसमें आपको ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड आपको जो शैशे होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी 3 सेटिंग्स गाइस, इन 3 सेटिंग को करके देखो, अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, फिर हम कुछ और निकालते हैं ट्रिक्स वगैरह, मतलब कोई और सेटिंग्स वगैरह ढूंढते हैं कि आपके हम फ़ोन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस में, स्पीड में, गेमिंग में, हर चीज़ में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं अपने चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें।